सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी में वेस्ट बंगाल से गरीब मेधावी स्टूडेंट्स की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने वाली एनजीओ टीम ने सोसाइटी के स्टूडेंट को लेकर वाराणसी भ्रमण पर आए हुए हैं। 8 अक्टूबर को कुछ महिलाएं कैंट के परेड कोठी में निजी होटल में महिला स्टूडेंट ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री में कपड़ा बदलते समय का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इस विषय में एनजीओ संचालक ने होटल संचालक से पूछा कि कैमरा चल रहा है कि नहीं, जिस पर होटल संचालक ने बताया कि कैमरा बंद है, जिसके बाद एनजीओ संचालक को शंका होने के आधार पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में लेते हुए डीवीआर को चेक कराया तो कैमरा चालू था, जिसके बाद एनजीओ संचालक ने होटल संचालक खिलाफ थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। मौके पर पहुंचे एसीपी चेतगंज विकास श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ककड़ा से आए 175 लोग ट्रिप पे आए थे, तो ये सूचना मिली कि जिस होटल की डॉर्मेट्री में रुके थे कैमरा उन्होंने देखा था, कैमरा लगा हुआ था, तो उनको ये आवाज़ था शायद कैमरा नहीं चल रहा है। और जब उनको ये पता चला कि वो कैमरा डॉर्मेट्री को थोड़ा बहुत कवर कर रहा है, तो उन्होंने उस पर कपड़ा डाल दिया था और उसकी सूचना उन्होंने जैसे पुलिस को दी, पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस होटल के मैनेजर वगैरह को ले आई है, यहाँ उनसे पूछताछ कर रही है और अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोप लगाया गया था? आरोप ये कि कुछ बच्चे वहाँ कपड़ा चेंज कर रहे थे तो उन्हें लगा कि ये कैमरा चल रहा है, उसकी तस्दीक की जा रही है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।